मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल मैं रात को दही लेके आई थी कड़ी बनाने के लिए कि कड़ी बनाऊंगी, तो अब गोल्डी आया, गोल्डी आके सब्जी दे के चला गया और निक्की ने भी सब्जी दे दी मुझे, तो हमारा वैसे उससे हो गया। तो मैंने दही उठा के रख दी थी। आज सुबह सुबह उठते सबसे पहले 10 बजे मैंने उठते ही कड़ी चढ़ा दी थी। मैं कहा आलस आ जाएगी कड़ी बनाने की, कड़ी बना दी मैंने 12 बजे तक मेरी कड़ी बन चुकी थी और 1 बजे मैंने चावल बना दिए थे, यानी कि कड़ी चावल हमारे बन चुके हैं। मैंने चीना के साथ जाना है रजौरी गार्डन, चीना ने नेल्स वगैरह करवाने हैं, कई काम है उसको, तो कहती है मम्मी सुबह चलेंगे, तो सुबह इसको नहीं टाइम मिला, तो अब हम जा रहे हैं, मतलब कि अब हम मतलब जा रहे हैं रजौरी गार्डन के लिए। तो मैंने कड़ी चावल बनाए, गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे, आप बताना कैसे लग रहे हैं आपको कड़ी चावल। ये कड़ी मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने ऊपर सोनिया, डॉली, निक्की सबको दे दिया थोड़ी थोड़ी कड़ी और साथ में बनाए हैं ये चावल। गाइस आप भी हमारे साथ खा लीजिए। सुन, तेरा पपीता काट दिया मैंने, तो खा लियो यहाँ से। है कल क्या हुआ था, पपीते में से स्मेल आ रही थी कोई? हाँ, अजीब सी स्मेल आ रही थी डब्बी खोल के। मैंने एक बंदे से भी करवाया, वो कह रहा है खुशबू आती है, हो ही नहीं सकता यार, हल्की भी स्मेल आए अनहेल्दी है, मैंने फेंक दिया। हाँ कोई बात नहीं भाई, फायदा ही नहीं। अब नहीं आई, अब तो एक बार देख ले, अब सही है। और कड़ी चावल भी खा लिया। प्लास्टिक के डब्बे में ये चीज रखो, स्मेल बन जाती है। कोई बात नहीं, वो जाते ही तू खा लियो। और मैं अभी खा रहा हूँ। हाँ खा ले, ना दो के खा रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने डब्बे में डाल दिया। पूछी को बुला, पूछी को पूछी, आजा बेटी, छोटी सी बच्ची, अलमारी खोलते इनको पता चल जाता है कि क्या खाना है। इनको अच्छा अच्छा खाना दे दे, दो दो तीन तीन। ये देख मेरी पुच्छू हिल रही है, इसकी पुच्छू, मेरी पुच्छू कह रही हूँ। चल दे दे, अरे तेरे को देख के कन्नू बिल्कुल अलर्ट हो जाती है। चीना खड़ी हो जा, तैयार हो जा और चलें घूमने। परसों जाना है सिर्फ, कल का दिन एक बच्चा, जो करना कर ले। चलो तैयार हो। हाँ चल चल। बस चीना और मैं तैयार हो चुके हैं रजौरी गार्डन जाने के लिए। इसके नेल एक्सटेंशन करवाना है, तो मुझे बार बार कह रही मम्मी जल्दी चलो, मम्मी जल्दी चलो। तो ये हो चुकी है बिल्कुल रेडी। चल फिर मेरा नाम लगा देगी। चलो, ये मम्मी मना कर रही है, मम्मी नहीं जा रही। चल फिर, हैं चल चलते। चीना ने कल अपने लिए बैली ली थी व्हाइट कलर की, तो कल मेरे लिए चप्पल ले रही थी, कहती मम्मी आप भी चप्पल ले लो। तो मैंने कहा मैं नहीं लूंगी, मगर आके चीना ने एक दिलवाई दी है मुझे चप्पल। तो गाइस घर जाके आपको चप्पल दिखाते हैं, बहुत सारा सामान है। तो हाँ देखो, लिस्ट देखो बहुत सारी है, बिल है। हाँ तो घर जाके गाइस आपको एक एक चीज करते हैं, मुंबई जाने से पहले शॉपिंग। तो मम्मी के एज यूजुअल गोलगप्पे शुरू हो चुके, बाहर आए और मम्मा गोलगप्पे ना खाए, तो हम आए हैं पंजाब स्वीट कॉर्नर। पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, पूरी मार्केट गाइस बंद हो चुकी है। 9 बज गए गाइस, मैं आपको अभी जाके अपनी एक्सटेंशन दिखाती हूँ, बहुत सुंदर हुए हैं, अभी दिखाते हैं घर जाके, है ना। दस बज गए, मेरा प्रोग्राम मिस हो गया। मम्मी आपने अनुपमा से लिए, केले से लिए? मैंने हाँ केले से लिए। आजो, मेरा प्रोग्राम मिस हो गया, 5 मिनट घर पहुँचा दी। चलो अनुपमा मिस हो गया, मेरी अनुपमा रानी, चल जल्दी चल जल्दी चल। सो गाइस मैंने करवाए हैं नेल एक्सटेंशंस, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं उसको, तो छोटे छोटे कराए इस बार। तो सही, कैमरे में काले काले हाथ आते जाते हैं। नहीं आते काले, क्यों काले आएंगे? ये दिल वाले, ये प्लेन, ये ऐसे ऐसे, और मम्मा ने भी कराया क्रोम, दिखाओ छोटे छोटे नाखून है मेरे। सो गाइस हम ना वहाँ चले गए थे, आपने सुना ही होगा मिनी शो, वहाँ से क्या कहते हैं, मिनी शो गई तो थी मैं, देखा नाम इतना बड़ा, इतना बड़ा बिल जिसका लोगो ये, हाय मेरा दिल, छोटी छोटी चीज को पता नहीं, देख रहा आप बिल? हाँ बोल रहा मैं, अरे इतना बड़ा बिल, हाय मेरा दिल, इतना सामान भी नहीं है। तो गाइस मैंने सबसे पहले लिया ये पर्स। हाँ बहुत सुंदर है, और इतना लाइट वेट है, पूछो मत, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। मैं बैग उठाती कोई लाइट वेट नहीं होता, वो लाइट वेट, ये छोटा सा ना अच्छा है, तो यही लेके जाएगी ट्रिप पे है। अच्छा, एक ये लिया बैग, एक गाइस मैंने ना वो मंगवाए थे क्या कहते हैं बॉडी वॉश, तो मैंने कहा एक सॉफ्ट सा ना स्पॉन्ज ले आती हूँ। हाँ अगर ये होते हैं ना तो फिर इजी हो जाता है, कोई मेरे बाथरूम में को खोल दी टांग में टांग दूंगी बाथरूम। और गाइस मैंने लिए हैं, हाँ ये देखो, ये कंचन की लड़कियों के लिए अपनी, इसने अपने लिए और कंचन की दोनों लड़कियों के लिए लिए, कि जिसका जो मैचिंग होगा वहाँ बच्चे लगा लेंगे, ठीक है ना। और गाइस एक मैंने लिए गाड़ी के लिए परफ्यूम, एक कन्नू को दे दियो और एक घर के लिए, कन्नू के लिए ऑलरेडी है, कन्नू ले आएगा। अच्छा तो बाथरूम में रख दे, ये घर कमरे में रखे,
कमरों का होता है कमरे में रख देंगे। हाँ कोई बात, भैया कह रहे थे ज्यादा मत खोलना, इसमें दो तीन होल कर देना, पूरा मत खोलना, कहते जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत प्यारे कहते सिर्फ दो तीन होल कर। गाइस ये ना मेरे को पड़ा है शायद 140 का, और इसमें छेद करने मतलब जो भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। और ये है सॉलिड एयर फ्रेशनर, मतलब बहुत सारे थे, लाइट भी था डार्क भी थे। ये तो क्लिप्स पता नहीं, ये तो ऐसी 100-100 रुपए के है। अच्छा जो की जितने के भी होंगे। हाँ ये भी तो है। अच्छा दो लिए हैं जैसे, ये तो एक मांगा था हमने, दो। हाँ इसने दो दे दिए, कोई नहीं, वैसे भी एक पीयू को देना है। चलो एक पीयू को, उसको उनको एक पैकेट पकड़ा दियो। हाँ। एक तूरा और एक ये है मम्मा के लिए, मैं कॉम्ब लाई हूँ, पापा देखना मम्मी कैसी कॉम्ब लाई बच्चों। नहीं कह रही हम, कह रही हम मुंबई चलेंगे तो गंदी गंदी अपनी कॉम्ब उठा के मत लेना। ये तो बच्चे बच्चे वाली, बच्चे वाली, मैं बच्चा है तो क्या बताओ कितने की है। नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा है, बताओ ना कितने की होगी। कितने की होगी ये होगी 200 के आसपास, 170। हाँ वो 200 के आसपास। एक मैंने लिया ये वाला बॉडी मिस्ट, मतलब परफ्यूम्स में बस बहुत है, लेकिन ना उन कांच की बॉटल को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अरे खुल जा सिम सिम, खुल गया। अच्छा वो टक होना था पहले। मत का बच्चा यूं करना 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 कर थोड़ी रही हूं, मेरी बच्ची है। अच्छा अच्छा डर रही है, डर रही है। आ आ आ तुम मुझे कुछ इधर आवे, मेरे पास आ, पूछ मेरे पास आया पूछ। मैं कुछ कर थोड़ी आया मेरे पास मेरे। सो गाइस एक मैंने ये लिया है कन्नू के लिए बैग, मम्मी इसको मेरे वाला लंच में ऑफिस लेके जाती थी ना, वो पिंक वाला बैग दे। मैं अगर गाड़ी में बैठता है ना कभी कभी तो उसको बैग में दे देती हूँ कि वो ले जा, फ्रूट ले जा, कुछ ले जा खाने पीने का, उसको दे देती हूँ। तो इसके फ्रूट के लिए दो बाउल लेके आया, देखो कांच के। अच्छा एक और भी है, एक और भी है, सही है ना। हां ठीक है, हां एक और है, दो लेके आया। मैं अगर कभी गाड़ी में रह जाता है ना इसका तो दूसरे में दे दो, दूसरे में दे दो। असल में क्या है जो प्लास्टिक की हो ना उसमें कई बार स्मेल आ जाती है, इसलिए प्लास्टिक में खाना रखना नहीं चाहिए, कांच में लेके आया। पापा देखो ये लाइया हमेशा अपने लिए, हाँ एक सिपर लेके आती है और पिछले सिपर पड़े पड़े बर्बाद। मैंने छोड़ दिया था, मम्मी ने लास्ट में मुझे दिखाया, खा लो भगवान की कसम। मैंने सिपर देखने, मैंने देखा भी नहीं, छोड़ दिया लास्ट में। कह रही चीना ये नहीं अच्छा लग रहा। अरे तेरे तेरे 25 सिपर पड़े होंगे पापा, आप समझ नहीं रहे, मैंने छोड़ दिए थे 25 कोई बात नहीं 26 से। और ये देखो गाइस हमने मेकअप रखने के लिए लिया है, हम मुंबई जा रहे हैं तो मेकअप रखने के लिए ये लिया है। मतलब मुंबई जाना कोई आसान नहीं है, जितने की टिकटें नहीं है, खाना पीना नहीं है, उससे ज्यादा का सामान है। आपको पता है जब हम तिलक नगर गए थे वहाँ कंचन भी तिलक नगर घूम रही थी सामान के लिए, उससे ज्यादा शॉपिंग होती है। एक और लिया है, दो लिए, एक ये एक बैग और लिया है, एक ये मैंने आइस की मेकअप, आइस के मेकअप के लिए, मतलब लिपस्टिक तो नहीं या देखते लिपस्टिक भी रख दूंगी, लिपस्टिक आ जाएगी, आईज का मेकअप आ जाएगा, इसमें फाउंडेशन भी आ जाएगा, एक और पाउच लूंगी मैं जिसमें लिपस्टिक्स रखूंगी, नहीं आ जाएगा इसमें, और इसमें सारा फाउंडेशन भी आ जाएगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा। हां पर आईज का मैं अलग ही रखना चाहती हूं। एक कैप ली है इसने, देखो एक मैंने ली है कैप, कहती गर्मी होगी तो कैप लूंगी। कैप ली है क्या तुम्हारा, बच्चे पड़ी है 3-4 कैप पड़ी है। नहीं वो क्यों लेगी, वो अपनी नई लेगी। और एक पर दिखा एक ग्लास, ये बेकार है, मैंने ना उठाया, कह रही है क्या उठा रही है, अच्छे है पापा कलरफुल देखना। पानी के लिए तो सिपर है, चलो मेरी चीज दिखा मेरी। अब गाइस ये हो चुका है हमारा मिनी शो का सामान, अब ये है मम्मी के लिए, हम केलॉग से चप्पल लेकर आए हैं, बहुत बहुत सॉफ्ट, कलर भी अच्छा है, और मेरे को जच भी रहा था। किरत हो गया मेरे पूछ के साथ, मस्तियां हैं, मस्तियां कैसे लड़ी हो तेरे साथ ये, मस्ती आ रही ना इसको, हैं मस्ती आ रही ना इसको, मस्ती आ रही है, आराम से लेटी हुई देख, इनको अच्छा लगता है ना ऐसे टिकल करना, अच्छा लगता है इसको, तो भी आराम से मस्ती करके लेटी हुई है, और इसको इसको देख यहाँ बैठी हुई है, ये उल्टा नहीं लेटती, ये नहीं उल्टा, ये उल्टा लेट जाती है, वो कभी उल्टा नहीं होती, अपने अपनी ब्लेड होती है ना, इस बार इसकी ब्लेड अलग है, इसकी ब्लेड अलग है, वो बस खाने तैयार कर रही है, ये बैठे हुए साथ में, मेरा खाना कब है मोटी,
आज हमारे काकू का हैप्पी बर्थडे है गाइस, कल कमेंट्स भर दो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। और चीना देखो पूछी का भोग ले लिया इसने। हो ये देखो गाइस, अच्छा गाना थोड़ा जरा से चला दे हैप्पी बर्थडे का। गाइस हम ज्यादा नहीं ले सकते हैप्पी बर्थडे का क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा। एक बार ले ले जरा हैप्पी बर्थडे। अभी हम बहुत डांस करने वाले हैं गाइस। काकू हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। कोई बात नहीं, कल मासू के सबके फोन आ रहे हैं, मैं तो 5 मिनट कल गोलू दीदी का जन्मदिन है तो मैं बोल रही हूँ कि कमेंट्स भर दो भर दो भर दो। हाँ तो गोलू तो आज वहाँ से निकल गई होगी, घर आ जाएगी। हाँ चलो भगवान करे तेरी बहुत लंबी उम्र हो कल। अच्छा भगो देख देख अच्छा है ना स्पीकर, ये ना मुंबई जाने के लिए लेके जा रही है। हाँ ये मुंबई में जाएगा, वहाँ हम कमरों में डांस करेंगे। लग रहे बहुत प्यारा है। वैसे कहना आसान है मुंबई जा रहे हैं, मगर आने से पहले हफ्ता पहले तो ये तैयारियां करनी पड़ती है। आपकी हमारी फ्लाइट है 1:30 बजे की, हम यहाँ से 11:30 कितने बजे चीना कितने बजे निकलेंगे? ऐसे है हम ना बर्थडे पहले हम बनाने लगे थे बुधवार में, आपको सही बात बताऊं। अच्छा कह रहे कि बड़ी मम्मा घर पे नहीं होगी, पापा आपको पता नहीं है मेरे को फिर। हाँ मैं और चीना तो होंगे नहीं, हम तो भूल गए थे। मैं क्या बुधवार को कर लेने छुट्टी तो है क्यों? रातों रात चेंज हुआ है हमारा प्रोग्राम, अब काकू का बर्थडे कल ही बनेगा। अच्छा हमारे बिना बर्थडे हो कैसे सकता था? नहीं नहीं होता नहीं, पहले बुधवार बना रहे थे कि चलो छुट्टी है। हाँ नहीं ये था ना छुट्टी है, सही बात। तो ये कहते नहीं कोई बात नहीं, ये कहते बड़ी मम्मा तो जा रही है बेटे। मैं कितने बजे कह रहा हूँ 1:30 बजे की फ्लाइट है, इसको पता। हाँ तो 11 बजे हम चले जाएंगे। हाँ 11 बजे चले जाएंगे। ये नीचे ऊपर घूमता रहता है, इसको सब पता होता है, हमसे ज्यादा पता होता है। ये अपने बर्थडे से घंटा पहले ऊपर नीचे जा रहा था। ये सब चीज मैं ना अभी ना मैं कन्नू, मेरी बात सुन गोल्डी, अभी मैं कन्नू के लिए एक बैग लेके आई हूँ टिफिन, इसको बहुत अच्छा लगा है। और कल इसका बर्थडे है जाके, नहीं तो मेरे पास होकर एक बार मुझे पता होता मैं लेके आती, कल इसको लेके दे। नहीं कल हम ले दें, कल तो नहीं मगर बुधवार को जाएंगे। हाँ हाँ सारे घर में आएंगे ना मेहमान। चल हाँ ये ले आएगी, चल खत्म काम, चल तेरा खत्म काम, तेरा हैप्पी बर्थडे का दीदी की तरफ से गिफ्ट हो गया, चल ला देगी पक्का। और चाहिए वो कांच का वो बॉल भी चाहिए? नहीं कांच का नहीं चाहिए भाभी, कांच अच्छा। बच्चे स्कूल में मैडम नहीं, कन्नू के लिए मैं लाई हूँ ना फ्रूट डालने के लिए, ऑफिस में चलता है बच्चा है ना। चल तेरे को वो टिफिन बोला, एक बार दिखाती हूँ दिखाती हूँ। 12 बज चुके हैं, कोई बात नहीं, केक तो केक छोटा सा लेके आएंगे, फिर कल बड़ा लेके आएंगे ना। काकू हैप्पी बर्थडे काकू, बहुत सुंदर ओरियो वाला है, केक कट और डैडी मिल्क वाला है सारा। अच्छा 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 लग रहा है। अच्छा हमको फिर काटेगा वो आएंगे सारी, वो तो सारे आएंगे ना। हां सब आएंगे, कल तो दो केक कटेंगे। और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जिस दिन जन्मदिन वाला दिन आप पुणे फिर सबको पार्टी दो ना, मेरे को भी पार्टी चाहिए। मैं कहा ठीक है भाई ओके, चलो तेरा भी बर्थडे जाने दे। ऋषि आजा बेटा, अरे गेम छोड़ दे। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान का भगवान तेरी लंबी उम्र कर दे, बस आज 19 तारीख है, आज है काकू का जन्मदिन और कल है 20 तारीख, कल है गोलू का जन्मदिन, दोनों का बस आसपास आता है। जैसे जैद का जन्मदिन 6 तारीख का और हमारे कन्नू का जन्मदिन 7 का, बस ऐसे एक एक दिन का फर्क है। तो सुरात को केक काट लिया है, जो आजकल फैशन है कि 12 बजे के बाद केक कटता है। हमारी बार तो ये होता था कभी 12 बजे केक नहीं करते थे, अगले दिन शाम को जन्मदिन मनाया जाता था। अब काकू भी शाम को जन्मदिन करेगा, इसकी मतलब कि कौन आएंगी, मासियाँ आएंगी, सारी क्या मामी मामे सब आएंगे, यहाँ पर हम लोग हो गए तो काफ़ी बड़ी फैमिली है डॉली की वहाँ पर भी, और हमारी भी काफ़ी बड़ी फैमिली है तो काफ़ी लोग हो जाते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग, कम से कम 40-50 लोग तो हो ही, 40 तक तो लोग हो ही जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये सारे इकट्ठे होते हैं, वो लोग भी डॉली के जो मतलब उधर भाभियाँ वगैरह बहुत अच्छी हैं, सारे भाई बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सब आके ऐसे मिक्स हो जाते हैं पता भी नहीं चलता कि कौन किसके साथ रहता है, यानी कि बहुत अच्छे हैं। तो कल हैप्पी बर्थडे है, हमने जाना है परसों, तो कल तो हम खूब इंजॉयमेंट करेंगे, फिर रात को, कल रात को 12 बजे फिर गोलू को भी कॉल करेंगे हैप्पी बर्थडे के लिए। तो कल है हमारी खाना रात का ऊपर,
यानी खाना क्या, खाना तो हर कोई खाता है, बस एक गेट टू गैदरिंग हो जाती है, सारे मिलते हैं जुलते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कल का दिन भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। चीना को भी रजौरी गार्डन थोड़ा काम है, कल मुझे पैकिंग भी करनी है और कल मुझे अपने बालों के लिए भी बोटॉक्स वगैरह भी करवाना है, बालों का क्या ट्रीटमेंट होगा, थोड़ा बहुत काम है। परसों फिर हम लोग चले जाएंगे, 5-6 दिन तक तो हम लोग बिजी रहेंगे। और आप मेरे ब्लॉग सुबह शाम हम दो ब्लॉग डालेंगे गाइस, ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना, उसकी बिल्कुल मत करना। साईं बाबा के मुंबई तो मैं पहली बार जा रही हूँ, तो पहली बार जाके जो जैसे जैसे देखूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी अपने साथ साथ। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और जो हमने नया चैनल खोला है फैमिली चैनल शॉर्ट्स, तो उसको भी जाके अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। बाय बाय।